मिर्जापुर के दीवाने इस वीडियो तक पहुंच ही गए। मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस और चर्चाएं हैं, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा रहा जिनका अभिनय सबको पसंद आया और जिसके बारे में लोग बात भी करना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। मिर्जापुर में उस निभाए गए कैरेक्टर का नाम है मकबूल। जी हाँ, मिर्जापुर के अंदर कालीन भैया के राइट हैंड मकबूल, जिन्होंने अपनी बखूबी निभाई हुई लॉयलिटी से दर्शकों का दिल तो जीता ही, उसके साथ ही वो इंटरनेट पर अच्छे खासे छाए हुए हैं। सही मायने में मकबूल ने मिर्जापुर में इस तरह का किरदार निभाया है कि उनका अपना ही एक अलग फैन बेस बन चुका है। इस वीडियो में आप जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, कहां से हुई उनकी शुरुआत और कौन सी है आगे आने वाली उनकी धमाकेदार फिल्में। जिन्हें आप मकबूल भैया के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम शाजी चौधरी है। 7 जुलाई 1972 को डोडावरी राजस्थान में उनका जन्म हुआ। पिता रूप नारायण चौधरी और मां रामप्यारी चौधरी। उनके 4 भाई और एक बहन है। उनकी वाइफ का नाम सुभद्रा चौधरी है। शाजी का एक बेटा और एक बेटी भी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल से की और आगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। एक साधारण परिवार में पैदा हुए शाजी बचपन से ही स्कूल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने रामलीला में भी अपनी भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर बनाया। 2003 में ही वो जयपुर में मॉडलिंग करने लगे। बाद में 3 साल तक उन्होंने मुंबई में मॉडलिंग में अपना भविष्य आजमाया। शाजी अपनी पहली बॉलीवुड अपीयरेंस साल 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना में एक कैमियो रोल प्ले से की। साल 2006 में आई फिल्म हुस्न बेवफा में भी उन्होंने किरदार निभाया, लेकिन क्रिटिक्स द्वारा उनको इतनी ज्यादा सराहना नहीं मिल पाई। शाजी को 2008 में मौका मिला ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम करने का, और वो फिल्म थी जोधा अकबर। उस फिल्म में उन्हें अकबर के एक सिपाही का किरदार अभिनय करना था, जिसका नाम था अहमद खान। यही एक फिल्म थी जिसके बाद शाजी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर पहचान मिलना शुरू हो गई। उन्होंने बताया इससे पहले वो मॉडलिंग कर रहे थे और टीवी में उन्हें पहली बार शक्तिमान के सीजन 2 में काम करने का मौका मिला था। शाजी ने आगे बताया कि वो डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर से इत्तेफाक से मिले, और जैसा कि शाजी ने सुना था कि वो एक ऐतिहासिक फिल्म पर काम कर रहे थे, आशुतोष ने शाजी को एक स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन देने को कहा। और फिर शाजी के ऑडिशन के कुछ दिनों बाद उनके पास कॉल आई थी कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें एक और ऑडिशन करना था। वो शरीफुद्दीन नाम के किरदार के लिए लगभग चुने ही जा चुके थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें वो रोल नहीं मिल पाया। और फिर उस रोल को प्ले किया निकितिन धीर ने, क्योंकि उन्हें जॉन्डिस हो गया था और उनकी हेल्थ सही नहीं थी। उस फिल्म की शूटिंग 10 से 15 दिन में शुरू होनी थी। फिर डिसाइड किया गया शाजी अहमद खान का रोल प्ले करेंगे। शाजी ने बताया वो रोल उनके लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक गिफ्ट था। इसके बाद उनके करियर को एक नई उड़ान सी मिली और फिल्म जोधा अकबर के बाद लोग उन्हें एक अच्छे दर्जे के एक्टर की नजरों से देखने लगे। उन्हें एक तरह से ब्रांड मिल चुका था और उसके बाद चीजें उनके लिए थोड़ी आसान हो चुकी थी। उनके हाइट और पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें अक्सर कमांडिंग रोल्स मिलते आए हैं, जैसे पुलिस, सोल्जर या फिर नेगेटिव रोल्स। शाजी कहते हैं कि उन्हें हर तरह के रोल करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें नेगेटिव रोल ज्यादा मिलते हैं। डोडावरी से बॉलीवुड तक टोंक का नाम रोशन करने वाले शाजी चौधरी शीघ्र ही मोहेंजोदारो फिल्म में नजर आए। उन 12 साल के करियर में वो कई टीवी सीरियल और करीब 15 फिल्मों में नेगेटिव रोल में अपनी भूमिका निभा चुके थे। मॉडलिंग से एक्टिंग के क्षेत्र में गए शाजी चौधरी की बॉलीवुड में जान पहचान बन चुकी है। वहीं टोंक की सरजमी से आज भी उनका बहुत लगाव बना हुआ है। जब भी मौका मिलता है वो टोंक अपने गांव जाते हैं। उनको यहां पर सुकून के साथ ही लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। शाजी का कहना है कि मुंबई की लाइफ और टोंक की गांव की लाइफ में बहुत अंतर है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जो सुकून अपने गांव में मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। शाजी अपने गांव के बच्चों को एजुकेशन में आगे लाने का सपना लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
आगे भविष्य में वो अपने गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश एजुकेशन आदि के लिए काम करेंगे। उनका कहना है कि सभी भाषाएं अपना अपना स्थान रखती हैं, लेकिन तरक्की के लिए इंग्लिश का बहुत महत्व है। ये उन्होंने अपनी जिंदगी में भी महसूस किया। टोंक में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभाओं को उभारने के लिए मंच नहीं होना भी उनको बहुत खलता रहा है। उन्होंने टोंक में रंगमंच की आवश्यकता भी जताई है। उन्हें बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे जैसे जॉन अब्राहम, मनोज वाजपेयी और अनिल कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। यानी साल 2013 में संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म शूट आउट एट वडाला में शाजी को औरंगजेब के रोल को प्ले करते देखा गया था। साल 2014 में उन्हें दो फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पहली फिल्म थी अजय देवगन और यामी गौतम स्टारर एक्शन जैक्शन। फिल्म में उन्हें जेवियर फोनसेका नाम के विलन का राइट हैंड रोल प्ले किया। कहानी थोड़ी सी कमजोर पड़ने के कारण क्रिटिक्स द्वारा बहुत तारीफें नहीं मिली, लेकिन शाजी को राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में काम करने का सुनहरा अवसर मिला। उस फिल्म में उन्हें तपस्वी महाराज के बॉडीगार्ड का रोल प्ले किया। शाजी ने 2016 में आई तमिल फिल्म वागा में मेन विलन की भूमिका निभाई थी। साल 2017 में उन्हें फिर से आशुतोष गोवारिकर के साथ फिल्म में काम करने का गोल्डन चांस मिला और उस बेहतरीन फिल्म का नाम था मोहेंजोदारो। 16 नवंबर 2018 के बाद तो मानो उनका फिल्मी करियर ऊंचे लेवल्स तक पहुंच गया, जहां शाजी चौधरी को उनके असली नाम से नहीं पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बेहतरीन वेब सीरीज मिर्जापुर में निभाए हुए किरदार मकबूल से सब जानने लगे। साल 2018 में ही विजय कृष्णा आचार्य द्वारा निर्देशित एक बहुत बड़े बजट की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला। बड़े बजट की फिल्म इसलिए क्योंकि उस फिल्म की कुल लागत 220 करोड़ रुपए थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा कमाल नहीं कर पाई। साल 2019 में बहजाद खंबाटा द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैंक में उन्हें एक टेररिस्ट की भूमिका निभाने का मौका मिला। मिर्जापुर के सीजन फर्स्ट में ढेरों फैन बनाने वाले मकबूल भैया फिर से चर्चाओं में छा गए हैं, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 2 का लोगों को बड़े लंबे टाइम से इंतजार रहा था। इस बार भी मकबूल से लेकर हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल शानदार तरीके से निभाया और फैंस को उम्मीद है कि आगे भी वो उनके लिए ऐसे ही बेहतरीन किरदारों में नजर आने वाले हैं। शाजी का कहना है कि युवा जिंदगी में जो भी कार्य करें उसको दिल और लगन के साथ करें। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने वाला कभी असफल नहीं होता। उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपने बड़े भाई राम रॉय और अपने छोटे भाई तुलसी का योगदान अहम बताते हुए कहा कि उन्होंने पूरी तरह उनको फ्री कर अपने कार्य में नाम कमाने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता रूप नारायण भी अक्सर यही कहते थे कि ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो। इन्हीं विचारों ने उनको बल दिया और वे सफल हुए। शाजी चौधरी के आदर्श अमरीश पुरी हैं, वहीं कबीर बेदी को भी वो लाइक करते हैं। वो मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी की तरह फिल्मी दुनिया में नाम करने की इच्छा रखते हैं और इसी सपने को लेकर वो कार्य भी कर रहे हैं। शाजी चौधरी नेगेटिव रोल में भले ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने सिनेमा करियर में लगभग 20 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। अमजद खान की गुल मकाई, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला की बायोपिक है, इस फिल्म में शाजी ने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार अभिनय किया है और रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी में भी वो नजर आने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि शाजी चौधरी को आने वाले समय में और भी बेहतरीन किरदार निभाने का मौका मिलेगा।